नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आपको लग रहा है ये दो दो हारमोनियम लेकर मैम क्यों बैठी है? देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आया है ना कि ये क्या मेल हारमोनियम है, ये क्या फीमेल हारमोनियम है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, कोई फीमेल मेल से छोटे नहीं होते हैं। हाइट में कभी कभी छोटे हो सकते हैं, जिस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन मेल फीमेल हारमोनियम है या नहीं, आपका ही क्वेश्चन था। देखिए, बहुत ही इरेलेवेंट क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि अगर तानपुरा मेल फीमेल हो सकता है तो फिर हारमोनियम क्यों नहीं हो सकता है? पर मजेदार बात यह है कि मेल और फीमेल हारमोनियम होता ही नहीं है। हारमोनियम हारमोनियम होता है, वो हारमोनियम मेल के लिए और फीमेल के लिए एक ही होता है। तो चलिए थोड़ा सा बता देती हूं कि क्या फीचर है और क्यों ऐसा है। तो हारमोनियम में जो फीचर्स होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, उसमें मेल फीमेल होता तो है, लेकिन इसका जो बजाने का तरीका है या जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो भी साउंड हमें सुनाई देता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपने सुने होंगे कि मेल फीमेल टोन होता है, जैसे जो पट्टी होता है ना हारमोनियम के अंदर, कुछ पट्टी होते हैं और उसमें कुछ ऐसे फीचर होते हैं कि कभी कभी, मतलब हम चाहें तो ये आवाज थोड़ा मोटा हो सकता है और थोड़ा पतला भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है या जिससे आप मेल फीमेल को अलग कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास दो हारमोनियम इसलिए है कि मैंने ये पहले यूज किया करती थी, अभी मैं ये हारमोनियम यूज करती हूँ। ये नॉर्मल हारमोनियम है, स्केल चेंजर नहीं है, और ये स्केल चेंजर है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है और रीड्स भी थोड़े बड़े हैं। देखिए, हारमोनियम में और एक फीचर होता है, एक होता है बॉक्स वाले, जैसे ये जो है इसको अगर मैं ऐसे डाल दूंगी अंदर तो ये बॉक्स हो जाएगा, तो हमें उठा के कहीं पर भी ले जाना सुविधा होती है। पर इसमें बॉक्स सिस्टम नहीं है, ये बॉक्स सिस्टम वाला हारमोनियम नहीं है, ये ऐसा ही रहता है, इसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। पुराना हारमोनियम है ये, मेरा बहुत पुराना हारमोनियम है, इससे मैंने संगीत सीखना शुरू किया था, तब ये फीचर नहीं था। अभी दिन ब दिन थोड़ा फीचर्स अलग अलग हो रहा है, बहुत सुविधाएं हो रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम हारमोनियम में जो सुर है उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके मेल फीमेल कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ मेल फीमेल वाला नहीं है, ये जनरल है, मतलब ये फीमेल भी बजा सकते हैं, मेल भी बजा सकते हैं, इसके साथ मेल भी गा सकते हैं, फीमेल भी गा सकते हैं। भाई क्यों? तो इसमें जो नॉब है, देखिए ये यहाँ पर जो बड़े नॉब्स है ना, 1 2 3 4, हाँ, तो ये छोटे छोटे का एक्स्ट्रा सुर है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं ये जो बड़े नॉब्स है ना, तो इसको मैंने तीनों को खोल दिया है, तो तीनों को खोल दिया है, तो देखिए कैसे साउंड आ रहा है। अब देखिए मैं इसको बंद कर दूंगी, देखिए मैंने पतली हो गया आवाज, देखिए मैंने ये दोनों को अंदर कर दिया और एक को मैंने निकाल के रखा, तो एक को जैसे निकाल के रखा तो इसमें से एक मोनो साउंड आ रहा है, मतलब एकदम पतली से आवाज आ रहा है। अगर कोई चाहे कि भाई जिनका आवाज थोड़ा पतली है,
जो नहीं चाहते हैं कि मेरा आवाज से ज्यादा हारमोनियम का आवाज हो, मैं थोड़ा मोनो गा सकती हूँ, तो इसमें वो गा सकते हैं। हो गया। अब देखिए मैं इसको मोनो से हटा के थोड़ा बेस कर देती हूँ। देखिए मैंने अभी क्या किया, ये दोनों को बंद कर दिया और बीच का चालू रखा, बीच का मैंने रखा, तो देखिए आवाज कैसे मोटा हो गया। अब देखिए ये आप मेल कह सकते हैं कि भाई मेल थोड़ा मोटा आवाज है। अभी मैंने तीनों को खोल दूंगी तो एक मेल फीमेल भरा हुआ आवाज आएगा, पूरा भरा हुआ। जाने किस दिन करूं यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। जाने किस दिन करूं। गजल वगैरह गाते हैं, कुछ इस तरीके के भजन गजल गाते हैं, थोड़ा भरा हुआ आवाज चाहिए हमें हारमोनियम से, तो इस तरीके के साउंड हमें चाहिए होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों का साउंड भर के आता है। तो आपको लगेगा मैम आपने किसको अंदर किया किसको बाहर किया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ना ये देखना है, सभी हारमोनियम के फीचर्स एक जैसा नहीं होता है। किसी में जो छोटे छोटे जो नॉब है ना वो एक साइड में है, बड़े नॉब्स एक साइड में है, किसी के हारमोनियम में बीच बीच में दिया गया है। तो आप ना खोल खोल के चेक कीजिए किस में आपको मोनो साउंड आ रहा है, थोड़ा पतली आवाज आ रही है, किस में थोड़ा मोटा आवाज आ रहा है, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो वैसे देखा जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मोनो में गाने में मजा नहीं है। अगर आप हारमोनियम बजाते हैं तो इस तरीके के आप तीन नॉब जो है, तीन जो ये स्विच या नॉब जो भी बोलेंगे, तो वो आप निकाल के गाया कीजिए, बजाया कीजिए, थोड़ा भरा हुआ आवाज आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आप मेल है फीमेल है, आपको अलग तरीके का साउंड चाहिए। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हारमोनियम में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा कि कीबोर्ड में होता है। कीबोर्ड में भी इस तरीके का कुछ फीचर आता है, कुछ टोन को हम अलग कर सकते हैं। वैसे हारमोनियम में इतने सारे ऑप्शन तो होता नहीं है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाला है और ऐसा ही वीडियोस मैं बनाती हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, आप कॉमेंट कीजिए, क्योंकि आपका ही कॉमेंट था ये। देखा ना आपके कॉमेंट्स को मैं कितना प्रायोरिटी देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।